लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाविकास आघाड़ी सरकार में औद्योगिक महामंडल यानी MIDC दलालों के कब्जे में चल रही है। MIDC के कामकाज पर यह संगीन आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने कहा कि दर्जनों जिलों के दलाल अधिकारियों के साथ मिलकर सामाजिक उपयोग के आरक्षित भूखंडों को बेचने में लगे हैं। गणेश नाइक ने MIDC की भूमिका और कामकाज पर गंभीर सवाल उठाते हुए ऐसी मनमानी तत्काल बंद करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह नहीं रुका तो वे NGO के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। देखिए रिपोर्ट। आंदली तो पूरे नई मुंबई के MIDC के भूखंड की है। जितने भूखंड ये लॉकडाउन के दरमियान बिके हैं, आप अगर उसका खुलासा अगर MIDC से मांगो तो आपको पता चल जाएगा कितने बड़े मात्रा में धांधली हुई है। नवी मुंबई में उद्योगों को बसाने वाली MIDC भूखंडों की सौदेबाजी करने वाले दलालों का अड्डा बन गई है। आरोप है कि MIDC में कई जिलों के दलाल सक्रिय हैं जो सामाजिक उपयोग के लिए आरक्षित भूखंडों को हथियाने और बेचने में लगे हैं। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने भी आज इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे कई जिलों के बड़े दलाल MIDC के यूटिलिटी भूखंडों को बिकवाने का धंधा चला रहे हैं। उन्होंने नई मुंबई के महाफे के एक सर्विस रोड पर हालिया बेचे गए भूखंड की वीडियो क्लिपिंग दिखाते हुए कहा कि MIDC अधिकारी जिस तरह दलालों के साथ मिलीभगत कर ऐसे सामाजिक भूखंडों को बेचने की धांधली चला रहे हैं वह नई मुंबई के लिए घातक है, इसलिए यह तत्काल बंद होनी चाहिए। कई दलाल लोग लोगों को बोल रहे कि इधर इधर भूखंड अपन निकलने वाले हैं, ये थाने बेलापुर रोड है, किधर थाने बेलापुर सर्विस रोड के बीच में जगह है, वो जगह को उधर पेड़ लगाए वो काट के उधर भूखंड बना के बेचने का दलाल लोगों का काम है। MIDC को यहाँ पे जो आरओ है रीजनल ऑफिसर बागल, उनसे मैंने मुलाकात की तब भी उनको बोला था, उनको पत्र लिखा है, बांगर साहब को पत्र लिखा है, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उप मुख्यमंत्री को लिखा है, उद्योग मंत्री को लिया, राज्य मंत्री उद्योग को लिखा है, उद्योग सचिव को लिखा है, CEO MIDC को लिखा है, और बांगर साहब को मैंने पत्र दिया और उनको फ़ोन करके बोला कि आप इस पर ऑब्जेक्शन लीजिए। बताना जरूरी है कि MIDC का ऐसा कारनामा कोई नया नहीं है। कुछ दिनों पहले पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने के प्रभाग 19 रबाले अंबेडकर नगर में MIDC ने सीवरेज पंप हाउस के लिए आरक्षित भूखंड को बिल्डरों के हाथ बेच दिया, जहां 40,000 परिवारों के लिए इंतजाम होना था। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि MIDC अधिकारी सोशल यूटिलिटी प्लॉट को बेचने के लिए लगातार ऐसी धांधली कर रहे हैं। इससे हॉस्पिटल, सर्विस रोड, गार्डन और दूसरे सेवा सुविधाओं से जुड़े भूखंडों के लिए भविष्य में कोई जमीन बचेगी ही नहीं। गणेश नाइक ने चेतावनी दी कि यदि ऐसी धांधली नहीं रुकी तो वे NGO के जरिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन के जरिए खिलाफत भी करेंगे। मैंने आपको क्लिप बताया ना, क्योंकि ये कोर्ट मैटर होने वाला है, कई NGO जाने वाले कोर्ट में, और उसके बाद में जो अलर्ट किए प्लॉट भी कैंसिल करने की नौबत आने वाली थी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, लेकिन ये जनता को होने वाला आगे का तकलीफ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।